हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। द रिक्वेस्ट पोइम जो है, हमारी लेसन जो है, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से जो है अपनी दोनों डॉटर इन लॉ को ओल्ड मैन कहता है कि आप हम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आएंगी तो आपको रिटर्न नहीं आने दिया जाएगा। और आप भी जो है, हाँ, देखते हैं कि वो वहाँ पे दोनों खुश हैं। अभी वापस आते वक्त क्या होता है। एट लास्ट व्हेन इट वॉज टाइम टू गो होम, दे रिमेम्बर्ड दियर फादर इन लॉज रिक्वेस्ट। नाउ दे वर एक्सट्रीमली वरीड एंड प्लस्ड। जब उन्हें याद आया, जब वापस जाने का टाइम आया, तब उनको याद आया कि उनके फादर इन लॉ ने क्या रिक्वेस्ट करी थी। वो जो है बहुत ही वो जो है प्लस्ड थी, उलझन में थी और वरी थी कि किस तरह से अरेंज कर पाएंगी। व्हाट शुड दे कैरी विद देम, के वो क्या लेके जाएंगी अपने साथ में। वेयर वुड दे फाइंड पेपर दैट वुड होल्ड फायर एंड वाइन। डिड सच अ थिंग एग्जिस्ट। उन्होंने सोचा कि इस तरह का पेपर कहाँ मिलेगा जिसमें फायर और वाइन जो है वो होल्ड हो सके, जो वो जो है हम बांध के लेके जा सकते हैं। क्या इस तरह का कोई पेपर एग्जिस्ट करता है। दे डिसाइड टू टेक एडवाइस फ्रॉम वाइज मैन। पेपर दैट विल होल्ड फायर एंड वाइन ही कैरीड। देर इज नो सच पेपर इन जापान। तो उन्होंने जो है एक समझदार इंसान की सलाह ली और पूछा कि क्या ऐसा कोई पेपर है जिसमें जो है आग और हवा को जो है ले जाया जा सके। तो जो समझदार इंसान है उसने जवाब दिया कि इस तरह का कोई पेपर जापान में नहीं बना है। द टू वुमन आस्क मैनी अदर वाइज मैन, बट All of them declared you will find no such paper in Japan. उन्होंने बहुत सारे जो समझदार व्यक्तियों से पूछा, लेकिन सबने उन्हें एक ही जवाब दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का कोई पेपर बना ही नहीं है जिसके अंदर आप जो है हवा और जो है आग ले जा सकें। ठीक है। They were now very troubled. अभी वो बहुत चिंतित हो गई। दे फियर्ड दे वुड नेवर सी दियर होम अगेन। वो बहुत डर गए थे कि किस तरह अभी वो अपना घर जो है वापस नहीं देख पाएंगे। दे फेल्ट सो मिसरेबल दैट दे वंडर्ड इनटू द फॉरेस्ट वेरी फार अवे। They could not stop crying. वो जो है बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी और उन्होंने सोचा कि हम जो है जंगल में जाते हैं, और वो बहुत दूर चली गई। दोनों जो है बहुत दूर चली गई और जो है वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, रोए जा रही थी दोनों जन। I do not allow people to cry in my woods, said a voice from Now here, my trees do not grow well in salt water. उनको एक आवाज़ सुनाई दी जिसने ये कहा कि मैं जो है लोगों को रोना अलाउ नहीं करता मेरी लकड़ियों के बीच में, क्योंकि जो नमक का पानी होता है उससे मेरे जो पेड़ हैं वो बढ़ते नहीं हैं अच्छे तरीके से। द पुअर वुमन वर स्टार्टेड बट दे वर सो डिस्ट्रेस्ड दैट दे फॉरगोट टू बी अफेड। जो औरतें थी दोनों, उन्होंने वो एकदम से चौंक गई आवाज़ सुन के, लेकिन वो जो है दोनों बहुत ही परेशान थी, वो भूल गई थी अपनी चिंता के बारे में भूल गई थी। द ओल्डर वन सेड, बड़ी जो
डॉटर इन लॉ थी, उसने कहा हाउ कैन आई स्टॉप क्राइंग, मैं कैसे रोना बंद कर सकती हूँ, अनलेस आई कैरी कैरी फॉर माई फादर इन लॉ फायर, जब तक मैं अपने फादर इन लॉ के लिए जो है रैप्ड पेपर के अंदर फायर नहीं आग नहीं लेके जाऊंगी, तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती. एंड आई आई वॉइल्ड द यंगर डॉटर इन लॉ, और जो जो यंगर डॉटर इन लॉ है वो भी रोते हुए कहती है कि अनलेस आई कैरी वाइन रैप्ड इन पेपर आई कैन नॉट गो होम, नॉट अ सिंगल वाइज मैन हैज एवर हियर्ड ऑफ सच थिंग, वॉट शैल वी डू. कि जो छोटी डॉटर इन लॉ है वो कहती हैं कि मैंने भी मैंने जो है हम लोगों ने बहुत सारे वाइज मैन से सलाह ली, लेकिन किसी ने भी हमें बताया नहीं इस तरह का पेपर जिसके अंदर जो है आग और पानी जो है सॉरी आग और हवा जो है रैप करके ले जाया जा सके. इट इज़ वेरी इजी टू रैप फायर इन पेपर, देर इज़ नो नीड टू वरी, आंसर्ड द वॉइस, हियर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच. तो वहाँ से आवाज़ आई, वो जो आवाज़ थी उसने कहा कि ये बहुत इजी है, इतना वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है, जो कि उनको दिखा, उनके सामने आके गिरा. द वुमन वंडर्ड वॉट विल हैपन नेक्स्ट, जो आगे जो हुआ उससे जो है दोनों औरतें जो है वो एकदम अचंभित हो गई. एज दे वॉच्ड एनेक्सियसली द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन्ड बिफोर देम, बहुत ही असाधारण चीज उनके सामने हुई जो कि उनको चिंतित कर रही थी. देर वॉज नो वन टू बी सीन, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बट पीस ऑफ पेपर अपियर्ड ऑन द ग्राउंड एंड फोल्डेड इट सेल्फ इन टू अ जापानीज लालटेन. उनके सामने कोई भी नहीं था, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर था जिसके अंदर जापानीज लालटेन जो है फोल्ड करी हुई थी. नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड, सेड द वॉइस, वो फिर से आवाज़ आई और उसने कहा कि अब इसके अंदर जो है एक कैंडल रख दो, एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर, और आपके आपको जो है ऐसा पेपर मिल गया है जिसमें आप फायर जो है होल्ड करके ले जा सके. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.